किसान केवल चिंता में रहता है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा संकट आता है। जो गरीब है, पिछड़ा भी है और गांव में रह रहा है, उसे हमेशा चिंता लगी रहती कभी बीज की, उसे चिंता लगी रहती अपनी फसल की, उसे ये भी चिंता लगी रहती कि समय पर पानी मिलेगा, बरसात होगी कि नहीं होगी। प्रदेश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के वर्तमान अखिलेश यादव सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं में से एक है मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल के नुकसान की भरपाई करना है। फिलहाल इस योजना का लाभ प्रदेश के 10 जिलों के किसानों को मिल रहा है, जिनमें मिर्जापुर, सोनभद्र, मैनपुरी, जौनपुर, फतेहपुर, मथुरा, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रायबरेली और फैजाबाद शामिल हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लागू होने से प्रदेश के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिली है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि अब किसान निश्चिंत होकर खेती कर रहा है। प्रदेश सरकार के इस कदम से प्रदेश के अन्नदाता को बड़ी राहत मिली है। बीमा कंपनियों ने भी बड़ी संख्या में किसानों को राहत पहुंचाते हुए उनके नुकसान की भरपाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सहायता राशि देकर हमारी बहुत ही मदद की है। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन मौसम आधारित फसल बीमा योजना की वजह से ही किसानों के इस नुकसान की भरपाई की जा सकी। यही कारण है कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसानों का भरोसा जीतने में सफल रहे हैं। जिस प्रदेश के देश के किसान खुशहाल होते हैं, वो प्रदेश और देश खुशहाल होता है। आज सरकार की कोशिश है कि हमारा गरीब किसान, गांव के लोग की आर्थिक संपन्नता की तरफ बढ़ जाए, और वो उस प्रयास सरकार ने किया है। इस योजना की अवधि दिसंबर से अप्रैल तक है, लेकिन यह अवधि विभिन्न मानदंडों एवं फसलों के लिए अलग अलग है। इस योजना का लाभ बड़े किसानों के साथ साथ साझेदारी में खेती करने वाले छोटे किसान भी ले सकते हैं। किसानों को यह योजना दावों के त्वरित भुगतान में मदद करती है। बीमा अवधि के 4 से 6 हफ्तों के अंदर बीमा कंपनी को किसानों के दावों की पड़ताल करके उनके नुकसान की भरपाई करनी होती है। भुगतान योग्य स्थिति में होने पर क्षेत्र के सभी बीमित किसानों को समान दर से उनके भुगतान की भरपाई की जाती है। साथ ही इस योजना के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए फसल बीमा कंपनियों की तरफ से पर्याप्त प्रचार भी किया गया है। किसान वर्ष है, किसान की सबसे बड़ी चीज देखिए, सिंचाई शुल्क माफ किया है। कोई सरकार ऐसी नहीं रही होगी मेरे ख्याल देश में सिंचाई शुल्क पूरा माफ करे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब बन रहे हैं, मंडियों का आधुनिकरण हो रहा है, और किसान कॉल सेंटर बना है, और सॉइल टेस्टिंग हो रही है, बीज सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो और तमाम, और एग्रीकल्चर का एक प्लान हर क्षेत्र के लिए अलग अलग उसके लिए बनाया गया है। इस सबको देखते हुए यह है कि किसान की आय में बढ़ोतरी हो, वो संपन्न हो सके। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि का 50% किसानों को देना पड़ता है, जबकि 50% राशि का भुगतान सरकार करती है। माना जाता है कि मौसम और कृषि उत्पादकता में बहुत गहरा नाता है। इस योजना के तहत खरीफ की फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मूंगफली, गन्ना, तिल, सोयाबीन और अरहर की फसल शामिल है। वहीं रबी की फसलों में गेहूं, चना, मटर, मसूर, लाही, सरसों और आलू भी इस योजना के तहत शामिल किए गए हैं। व्यापक आपदा में सभी फसलों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर इकाई माना गया है, जबकि स्थानीय आपदा जैसे ओला या फिर भूस्खलन से फसलों के नुकसान की स्थिति में व्यक्तिगत स्तर पर किसान को इकाई माना गया है। 2013-14 में
मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत चयनित 10 जनपदों में कुल 2,23,000 किसानों की 2,26,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई फसल का बीमा कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बीमा कंपनियों ने किसानों को 80 करोड़ 68 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया। रबी फसल 2014-15 में योजना के अंतर्गत सभी 10 जनपदों में कुल 1,51,000 कृषकों के 1,36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई फसल का बीमा हुआ है, जिन्हें योजना के प्रावधानों के अनुरूप देय क्षतिपूर्ति का भुगतान रबी मौसम की समाप्ति के 45 दिन के भीतर किया जाएगा। प्रदेश सरकार की इस योजना से किसानों को बड़ी राहत मिली है। एक तरफ जहां असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से बर्बाद होने वाली फसल का किसानों को मुआवजा मिला, तो वहीं बीमा के प्रीमियम में भी 50% की छूट देकर प्रदेश सरकार ने किसानों को दोगुना लाभ पहुंचाया है। हकीकत की जमीन पर कई कदम आगे उत्तर प्रदेश का युवा नेतृत्व।